दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। दलितों को रियायती दरों पर लोन मिलेगा, एससी कमीशन के चेयरमैन शंकर यादव बोले बिंदोली रोकने की घटनाएं मानवता पर कलंक, कानून बनाएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को दिखाए काले झंडे, डोटासरा स्वागत समारोह पर गाड़ी से नीचे नहीं उतरे, कार में ही स्वागत कर रवाना हुए। यूक्रेन में भूख से तड़प रहे इंडियन स्टूडेंट्स बोले इंडियन एमएससी मदद नहीं कर रही, हर तरफ बम विस्फोट, आग और धुआं। 62,000 पदों पर होगी टीचर्स की भर्ती, जुलाई में होगा एग्जाम, सितंबर में आएगा रिजल्ट। राजसमंद में चोरी की 8 वारदातों का खुलासा, 2 गिरफ्तार, पुलिस ने सोने और चांदी के गहने बरामद किए, खरीदार भी हुए गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के अपने साथी नेताओं के साथ मारपीट के मामले में भाजपा युवा मोर्चा के शहर जिलाध्यक्ष को पद से हटा दिया गया है। भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने मामले में संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है। 2 दिन पहले भाजयुमो शहर जिलाध्यक्ष सनी पोखरणा ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र भंडारी और सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष हिमांशु बागड़ी पर हमला कर दिया था। उसके बाद भाजपा ने यह कार्यवाही की है। भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि घटना सामने आने के बाद फिलहाल पोखरणा को दायित्व मुक्त किया गया है। अनुशासनहीनता को लेकर संगठन में कमेटी ने उन्हें नोटिस भी जारी किया है। पोखरणा को लेकर आगे निर्णय पार्टी अपने स्तर पर करेगी। बता दें कि इससे पहले भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली ने सनी पोखरणा को अपनी हरकत के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था, हालांकि उस पर पोखरणा ने अब तक जवाब नहीं दिया है। इधर मसले को लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र भंडारी ने कहा कि इस कार्यवाही से संगठन ने मैसेज दिया है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहां नहीं चल सकते। वहीं हमले में घायल होने वाले हिमांशु बागड़ी को फिलहाल गुजरात के अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया है। उनके एक हाथ में रॉड डाली है, वहीं कई जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि हमले के बाद पोखरणा सहित 5 लोगों के खिलाफ 11 धाराओं में भोपालपुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल पोखरणा पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के चेयरमैन बने शंकर यादव का कहना है कि प्रदेश में दलितों की बिंदौलियां रोके जाने की जो घटनाएं पिछले दिनों सामने आई है उन पर रोकथाम करना सरकार का फोकस है। उन्होंने कहा कि इस मसले को लेकर सरकार 2 लेवल पर काम करेगी। इसमें एक तो सोशल अवेयरनेस पर काम करेंगे, दूसरा कठोर कानून बनाकर ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा। चेयरमैन बनने के बाद पहली बार उदयपुर आए शंकर यादव ने कहा कि ये एक सामाजिक बुराई है, मानवता पर कलंक है। राम, महावीर, कृष्ण या महात्मा गांधी सभी ने समानता का संदेश दिया था, इसलिए ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा। शंकर यादव ने कहा कि दलित वर्ग में 59 जातियां हैं और उनकी अलग अलग उपजातियां हैं। इन जातियों के विकास की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने मुझे दी है। इस निगम को आयोग का दर्जा देकर दलितों का मान बढ़ाया है। हमारा काम छोटे लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना होगा, साथ ही उनके उत्थान के लिए उन्हें रियायती दर पर लोन देना और उन्हें एजुकेशन देकर आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। ऐसे लोग जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। शंकर यादव ने प्रदेश में बची शेष राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कहा कि अशोक गहलोत एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वे संगठन के व्यक्ति हैं, उनके मन में यह भावना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑबलाइज किया जाए। गहलोत चिंतित है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित कैसे किया जाए। मुख्यमंत्री ने तैयारी कर रखी है कि बहुत जल्द कार्यकर्ताओं को अवसर मिलेंगे। हाल ही में पेश हुए बजट को लेकर शंकर यादव ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है, भाजपा विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रही है। यह सदी का सबसे ऐतिहासिक बजट है, हर तबके हर वर्ग के लिए बजट है, किसी वर्ग को अनछुआ नहीं रखा। आज कर्मचारी वर्ग खुश है, यह सबसे बड़ी बात है। भारत के सभी राज्यों में अशोक गहलोत का बजट एक मॉडल बजट होगा। कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर आ रहे थे। इस दौरान पचपदरा स्वागत समारोह से कुछ ही दूरी पर कुछ भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने रीट पेपर लीक व महाराणा प्रताप पर टिप्पणी करने के विरोध में काले झंडे दिखाकर विरोध किया। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा स्वागत समारोह पर गाड़ी से नीचे नहीं उतरे और गाड़ी में ही स्वागत करवाकर रवाना हो गए। दरअसल पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बाड़मेर में चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए जोधपुर से आ रहे थे। बाड़मेर जिले की सीमा पर जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत रखा। बागुंडी पर गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मीवाराम जैन व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था। पचपदरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत समारोह रखा हुआ था। पचपदरा से कुछ ही दूर पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने रीट धांधली व महाराणा प्रताप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर काले झंडे दिखाते हुए गाड़ी से आगे आ गए। पुलिस ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं को गाड़ी से दूर किया। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भाजयुमो कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार लोकतंत्र को भूल कर जनता की आवाज दबाने की कोशिश की गई है।
रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव बम धमाकों से दहल चुकी है। डूंगरपुर के मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ करीब 500 से ज्यादा भारतीय वहां फंसे हुए हैं। स्टूडेंट ने कहा कि हर तरफ बम विस्फोट, आग और धुआं दिखाई दे रहा है। सड़कों पर गोलीबारी और सेना के टैंक चल रहे हैं। कल से खाने को भी कुछ नहीं मिला है। इंडियन एम्बेसी की भी मदद नहीं मिल पा रही है। डूंगरपुर की जीनी पटेल, प्रांजल जैन और कुलदीप कलाल यूक्रेन में फंस गए हैं। कीव में इंडियन एम्बेसी के पास एक स्कूल में रखा गया है। हर मिनट में स्कूल और एम्बेसी के आसपास बम के धमाके हो रहे हैं। स्टूडेंट ने बताया कि 3 दिन पहले 24 फरवरी को उद्ग्रोस से कीव पहुंच गई थी। उसी समय रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू कर दिया। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक आ गई है। बम के धमाकों से डरे हुए हैं। एमएलसी में ऑफिसर भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जब भी बात करते हैं तो निकालने की बात कहते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। खाने को कल कुछ मिला था, इसके बाद से आज तक कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला है। एमएलसी के अधिकारी अब अपने हिसाब से निकलने की बात कहकर उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। बाहर निकलने की कोशिश की तो बम या गोली के शिकार हो जाएंगे। बच्चों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। रीट लेवल 2 रद्द के बाद सरकार ने दोबारा एग्जाम कराने का ऐलान किया है। एग्जाम 23 व 24 जुलाई को होगा। सरकार रीट 2022 में 62,000 पदों पर ग्रेड 3 की टीचर्स की भर्ती करेगी। 2 चरण में भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। पहले चरण के तहत पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा टीचर्स के सिलेक्शन के लिए होगी। इसमें पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। अप्रैल तक मिली 15,500 टीचर्स को नियुक्ति, पिछले साल 26 सितंबर को आयोजित हुई परीक्षा के लेवल 1 के 15,500 अभ्यर्थियों को अप्रैल की शुरुआत सप्ताह में काउंसलिंग होते ही नियुक्ति दे दी जाएगी। रीट पेपर लीक का खुलासा एसओजी ने किया था। अब तक इस मामले में 40 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक की कार्यवाही में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जब्त की गई है। इस मसले पर विपक्ष के नेता सड़क से लेकर सदन तक विरोध कर लेवल 1 की परीक्षा को रद्द कर रीट की सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह माना है कि इस स्कैम में रसूखदार लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए एसओजी को हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करने के आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस अखिल कुरेशी और जस्टिस सुदेश बंसल की डिवीजनल बेंच ने एबीवीपी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एसओजी के अफसरों को 4 हफ्ते में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही चेताया कि अगर कोर्ट जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होगा तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया जाएगा। राजनगर पुलिस ने चोरी के आरोप में शनिवार को एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 8 चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले को भी गिरफ्तार कर माल बरामद किया। पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चोरी के आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी 3 नकबजनी करने के मामले पुलिस में दर्ज हैं। राजनगर थाना अधिकारी डॉ. हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि चोरी के आरोप में कुंवरिया थाना क्षेत्र के खाखलिया खेड़ा निवासी अर्जुन लाल उर्फ बंटी 28 पुत्र भेरूलाल भील की गिरफ्तार किया गया है। चोरी का माल खरीदने के आरोप में केलवा निवासी देवीलाल सोनी 56 पुत्र मोहन लाल सोनी को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया। थाना क्षेत्र के देवथड़ी निवासी पंकज कुमारी पुत्री दुर्गा शंकर कुमावत ने 19 फरवरी दोपहर को घर से सोने चांदी के गहने चोरी करने की अज्ञात बदमाश के खिलाफ शिकायत दी थी। पुलिस ने शिकायत पर टीम का गठन कर जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना पर टीम ने जगह जगह दबिश देकर आरोपी अर्जुन लाल को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में देवथड़ी रोड स्थित मकान से दोपहर के समय चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने भारी मात्रा में सोने चांदी का चोरी हुआ माल बरामद भी कर लिया है। सहायक उप निरीक्षक श्यामलाल बहादुरलाल, कांस्टेबल थाना राम, सुभाष महेंद्र सिंह, मूलचंद, कृष्ण कुमार और दिनेश चंद्र पुलिस टीम में शामिल थे। ज्योतिष अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा ज्योतिषविद व पूर्व सांसद भानु कुमार शास्त्री की स्मृति में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष सेमिनार का शुभारंभ निम्बार्क महाविद्यालय के सभागार में वैदिक मंत्रों के उच्चारण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। आरंभ में मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति डॉ. कैलाश सोनानी, विशिष्ट अतिथि महेंद्र रास बिहारी शरण, विधायक धर्मनारायण जोशी, पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. रश्मि बोहरा व संस्थान अध्यक्ष हरीश चंद्र शर्मा ने दीप प्रज्वलन व स्वर्गीय भानु कुमार जी की चित्र पर माल्यार्पण कर किया। पंडित जगदीश श्रीमाली व विप्रजनों ने मंगलाचरण किया। संस्थान के डॉक्टर सुरेश चंद्र जोशी, अखिलेश शर्मा, राजेंद्र प्रसाद जैन, भगवती शंकर व्यास व अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। पंडित अखिलेश शर्मा ने संस्थान का परिचय व गतिविधियों की जानकारी दी। संस्थान के अध्यक्ष हरीश चंद्र शर्मा ने स्वागत भाषण करते हुए आयोजन तथा ज्योतिष के विविध आयामों व ज्योतिषीय अनुसंधान की चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति डॉ. कैलाश सोलानी ने कहा कि 21वीं सदी का समय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का है। अब विश्व में विजेता ज्ञान के आधार पर तय होगा। उन्होंने कहा कि अब दुनिया युद्ध व लड़ाइयां प्रयोगशाला में हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत के वर्तमान स्वरूप में शैक्षणिक जगत का महत्वपूर्ण योगदान है। पहले भारत में साक्षरता 18% थी, अब 81% है। उन्होंने अध्ययन को मातृभाषा में करने की महत्व आवश्यकता बताते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान कर भारत सरकार ने एक सकारात्मक पहल की है। अध्यक्षता करते हुए कोटा खुला विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. रश्मि बोहरा ने कहा कि ज्योतिष बीज से लेकर वृक्ष बनने, सूर्य, तारों, ग्रह, नक्षत्र,
नक्षत्रों से लेकर गणित व दर्शन से जुड़ा है। ज्योतिषीय कालगणना व फलित में अध्ययन अनुसंधान महत्वपूर्ण है। विशिष्ट अतिथि महेंद्र रास बिहारी शरण ने कहा कि हमारी संस्कृति परंपराओं के हास का मूल कारण शिक्षा पद्धति की विशेषता है। मौलिक संस्कृति व संस्कारों की जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिकता और विकास को अपनाना चाहिए। विशिष्ट अतिथि विधायक धर्मनारायण जोशी ने कहा कि भारतीय संस्कृति व परंपराएं श्रेष्ठ व वैज्ञानिक हैं, लेकिन तथाकथित प्रगतिशील लोगों ने उन्हें अंधविश्वास कहकर भ्रमित किया। कोरोना काल में हमारी हाथ धोने, दूर से नमस्ते करने व जूते बाहर खोलने की परंपरा को सभी ने स्वीकार किया है। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने ज्योतिष क्षेत्र में नवीन समयानुकूल अनुसंधान पर बल दिया। इस अवसर पर महापौर गोविंद सिंह टांक, यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, विप्रो फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष के शर्मा, पूर्व पार्षद दिनेश माली व विजय प्रकाश विप्लवी उपस्थित थे। संयोजन डॉक्टर भगवती शंकर व्यास ने किया। उद्घाटन सत्र के बाद हुए विभिन्न सत्रों में हरिश्चंद्र शर्मा ने ग्रहों के प्रभाव की खगोलीय समझ, गोविंद मौर्य ने ज्योतिष एवं भौतिकी, साधना मेनारिया ने ज्योतिष में ग्रहफल, न्यायाधीश हिमांशु नागोरी ने विवाह एवं न्याय प्रणाली का ज्योतिषीय संदर्भ, भारती दशोरा ने ज्योतिष एवं मनोविज्ञान व डॉक्टर सुरेश जोशी ने कुंडली मिलान की वैज्ञानिकता विषय पर व्याख्या करते हुए प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। ज्योतिष अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा ज्योतिषविद व पूर्व सांसद भानु कुमार शास्त्री की स्मृति में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष सेमिनार का समारोप पत्र रविवार अपराह 2:45 पर निम्बार्क महाविद्यालय के सभागार में पूर्व कुलपति डॉ. बी.एल. चौधरी के मुखातिथ्य, नेता प्रतिबंध गुलाब चंद कटारिया के विशिष्ट आतिथ्य व पूर्व कुलपति डॉ. मनोहर कालरा की अध्यक्षता में होगा। दोबड़ा थाना क्षेत्र के बनकोड़ा गांव में शुक्रवार को दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूटपाट का मामला सामने आया। मैनेजर काशीराम मीणा ने बताया कि 3:16 पर लुटेरे बंदूक की नोक पर एटीएम में जाने के बाद बैंक के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। बैंक के अंदर लोगों की भीड़ कम दिखने पर सीधे कैश काउंटर पर पहुंचा एवं कैशियर पर बंदूक तानी। इसके बाद कैशियर मिलन सेठी डर के मारे वहां से हट गया, जिस पर लुटेरों ने अंदर आकर कैश काउंटर में रखे पैसे अपने बैग के अंदर भरे एवं निकल गए। जानकारी के अनुसार चोरी की वारदात की सूचना मिलने पर दोबड़ा थाना प्रभारी कमलेश चौधरी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। वारदात की जानकारी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से खंगाल रहे हैं। उक्त चोरी 3:16 से 3:19 के बीच हुई। इस मौके पर एडिशनल एसपी अनिल मीणा, सागवाड़ा डिप्टी, सागवाड़ा थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह सोलंकी, बनकोड़ा उप तहसीलदार देवचंद्र पुनकर मौके पर पहुंचे। लुटेरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद बैंक के बाहर निकलते समय हवा में पिस्तौल लहराते हुए रुपए के कुछ बंडल उछालते हुए निकले। वहीं लोग लूट की वारदात को लुटते देखते रह गए। लुटेरों ने रुपए उछालने से लोगों ने चोरों पर ध्यान नहीं दिया और पैसे को लूटने में लग गए। दिव्यांग मेगा शिविर पर आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश कराड़ी के निर्देशन में शुक्रवार को जिला पुस्तकालय सलुम्बर पर दिव्यांग मेगा शिविर का आयोजन किया गया। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संपत मीना के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा नाक कान गला रोग विभाग, नेत्र रोग विभाग तथा मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों ने दिव्यांगजनों की जाँच कर दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए तथा 56 दिव्यांगजनों को आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर विशेष जांच हेतु रेफर किए गए। मेगा शिविर में खंड कार्यक्रम प्रबंधक देवेंद्र पुरी गोस्वामी, डॉ. हितेश पूर्विया, डॉ. नत्थू सिंह, शंभू सिंह मेल नर्स, नटवरलाल मेल नर्स आदि उपस्थित थे। संसदीय संकुल विकास परियोजना की ब्लॉक स्तरीय बैठक शुक्रवार को उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीना की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में शुरू हुई, जिसमें मोतीनगर, बस्सी, जोयरा, अगाटिया, प्रतापपुरा, टोडा, सालिया, लकापा, भई, अमरा, डुंगरी सहित 6 ग्राम पंचायत के 10 गांव का चयन किया, जिसमें क्षेत्र के आजीविका चलाने लायक, रोकने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभागवार कार्य योजना बनाकर संबंधित गांवों को लाभ दिया जाने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। सांसद अर्जुन लाल मीना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी योजना में प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि के साथ ग्रामीणों के सहयोग से संपन्न कराना है। बैठक में केंद्रीय प्रतिनिधि सरिता ठाकुर ने व्यापक चर्चा कर सभी विभागीय अधिकारियों से अपने सुझाव साझा किए। बैठक में सलुम्बर प्रधान गंगा देवी मीना, उप प्रधान देवेंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी दिनेश धाकड़, विकास अधिकारी अनिल पहाड़िया, परियोजना प्रभारी विनीराम सुधार, प्रशांत पंचाल, संकुल सहयोगी राजकुमार मेहता, राजस्व गांव के सभी प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में ICICI ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान और ICICI बैंक द्वारा शुक्रवार को ICICI RCT ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के सलुम्बर सैटेलाइट सेंटर पर नियोक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सलुम्बर तहसीलदार राम प्रसाद खटीक मुख्य अतिथि एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सलुम्बर के शाखा प्रबंधक रविश सोनी, वहाड़ीरानी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश चौहान, महाविद्यालय सलुम्बर प्रधानाचार्य देवीलाल मीणा, ICICI ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान के कार्यक्रम प्रबंधक प्रियंका भाटी, प्लेसमेंट समन्वयक शरद माथुर, प्रशिक्षण समन्वयक मुकुंद सिंह राजपूत
एवं समस्त स्टाफ उपस्थित थे। इस अवसर पर तहसीलदार रामप्रसाद खटीक एवं महाविद्यालय प्रधानाचार्य मुकेश चौहान ने ICICI RCT द्वारा ब्लॉक में युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास की सराहना की एवं उपस्थित नियोक्ताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने संस्थान को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़कर योजना का लाभ देने का आह्वान किया। शरद माथुर ने ICICI RCT द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं प्रोजेक्ट्स के बारे में PPT के माध्यम से जानकारी दी। नियोक्ताओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। सभी नियोक्ताओं को प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंत में श्री मुकुंद सिंह राजपूत ने सभी उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार द्वारा संदिग्ध अपराधियों की निगरानी एवं प्रभावी कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए गए थे। अवैध बजरी खनन व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए। अतिरिक्त पुलिस मुकेश सांखला व वृत्ताधिकारी व्रत सलुम्बर सुधा पालावत के सुपरविजन में थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार द्वारा एक टीम गठित की गई। 25 फरवरी को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि डगार से पहले मेन रोड पर एक व्यक्ति नंगी तलवार लेकर रोड पर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। जलाना पुलिस की टीम महेंद्र सिंह, प्रवीण सिंह, कैलाश डगार से पहले मेन रोड पर पहुंचा, जहां आम रोड पर एक व्यक्ति अपने हाथ में नंगी तलवार लोहे की लेकर लहराता हुआ रोड पर आने जाने वालों को डरा धमका रहा था और इसको घेरा देकर पकड़ने की कोशिश की गई तो वह भागने लगा, जिसका पीछा किया गया एवं उसी समय सलुम्बर रोड से मोटरसाइकिल पर थाना सलुम्बर के पुष्कर पटेल, गोपाल कृष्ण आते दिखे। उक्त दोनों जाप्ता की सहायता से उक्त व्यक्ति का पीछा कर घेरा डालकर पकड़ा गया एवं उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नरेश उर्फ नगिया, पिता कालू मेघवाल, उम्र 21 साल, निवासी डगार, थाना झल्लारा होना बताया। जिस पर तलवार को जब्त किया गया व अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, CBC News आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC News के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।